बिना किसी इंट्रोडक्शन के शुरू करते हैं आज का हमारा टेक वीडियो। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल आप जो यूज़ करते हैं वो आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ट्रैक करता है, ये आपको पता होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था जब एप्पल एक पॉलिसी लेकर के आया था जिसके बाद फेसबुक और गूगल को भारी नुकसान हुआ था। ख़ास तौर पर फेसबुक का इतना बड़ा नुकसान हुआ था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि एप्पल ने एक पॉलिसी रोल आउट किया था जिसमें ये था कि जो फेसबुक है या फिर कोई दूसरे ऐप्स हैं आपकी जानकारी, आपकी इन्फॉर्मेशन बिना आपके कंसेंट के ट्रैक नहीं कर सकते। गूगल का क्या है, गूगल पे आप सर्च करते हैं तो आपको ट्रैक करता है और वो बोल करके ट्रैक करता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, बोलता है कि आप जो सर्च कर रहे हैं या फिर जो वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं सारी प्रोफाइलिंग उनके पास है। तो उसके बाद कई तरह के एड्स आपको दिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साइबर क्रिमिनल्स एक्टिव हो जाते हैं, टारगेट करते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आपके मन में कभी ऐसा आता है कि क्यों ना गूगल का कोई अल्टरनेटिव यूज़ किया जाए, तो आपको लगता होगा कि गूगल जैसा कोई सर्च इंजन उतना बड़ा नहीं है। मानता हूँ ऐसा नहीं है, गूगल जैसा कोई बड़ा सर्च इंजन फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आप डक डक गो नाम का एक ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली वो सर्च इंजन का भी काम करता है। तो वो क्या करता है, उनका फंडा क्लियर है, वो कहते हैं कि आप जो भी सर्च करेंगे, जो भी कीवर्ड डालेंगे, जो भी वेबसाइट पे विजिट करेंगे उसका डेटा हम नहीं लेंगे, 0% डेटा लेंगे। मतलब 0% का मतलब टेक्निकली कोई डेटा नहीं लेंगे। तो इसको प्रूफ, अब वो तो दावा कर रहा है तो हो सकता है गलत भी दावा कर रहा हो, तो उसको प्रूफ किया है कई रिसर्चर्स ने, क्योंकि उनका जो ओपन सोर्स कोड है वो ओपन है किया हुआ ताकि कोई भी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिसर्चर्स उसे चेक कर सके। तो चेक कर लिया गया है और इसके बाद ये पता चला है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये दावा करता है। तो अब डक डक गो के बारे में बता दूं, इसे आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर या फिर डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च करके उसे प्लगइन के तौर पे आप अपने किसी भी ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, हालांकि आपको सर्च के रिजल्ट गूगल जितने वास्ट नहीं दिखेंगे लेकिन ज़रूरी जानकारियां आपको वहां मिल जाएंगी। और अच्छी बात यह है कि कोई भी एड्स आपको नहीं दिखेंगे, कोई भी एड्स, फालतू के एड जो पॉपअप दिखते हैं वो नहीं दिखेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रैक नहीं की जाएगी, आप क्या सर्च कर रहे हैं गूगल के पास जैसे इन्फॉर्मेशन होती है उसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इंडिपेंडेंट अगर आप कुछ ऐसा सर्च कर रहे हैं जो लगता है कि कोई ना जाने, तो उसके लिए आप ऑल्टरनेटिव के तौर पर ये ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं और इसका सर्च इंजन टूल यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है सर्च इंजन को लेकर के, या फिर आप कोई ऐसा सर्च इंजन यूज़ करते हैं जो डेटा ट्रैक नहीं करता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन हैं, ब्रेव भी है, बट डक डक गो इनमें से ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ब्रेव ज़्यादा पॉपुलर है, बट मैंने जहाँ तक टेस्ट किया है तो ब्रेव से बेटर मेरे को डक डक गो लगता है। तो आप हमें कॉमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और ट्राई करके ज़रूर बताएं कि डक डक गो ब्राउज़र जो है वो गूगल सर्च इंजन के मुकाबले कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा है, क्या रिजल्ट्स आते हैं और क्या आपको चेंज देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।